आदाब बच्चों, क्लास 9 सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रायंगल, सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इस तरह है, ए डी इज ऑल्टीट्यूड, ए डी ऑल्टीट्यूड ऑफ एन ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, शो दैट ए डी बाइसेक्टस बी सी एंड ए डी बाइसेक्टस एंगल ए। आपके पास ये गिवन ट्रायंगल है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, गिवन दिया गया है कि ए बी और ए सी जो साइड से इसकी ये बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, इट इज़ ऑलरेडी ऑलरेडी गिवन। ए डी जो है ये आल्टीट्यूड है, यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। हमें ये बताना है, प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, क्या ए डी जो यहाँ से इस वर्टिसिस पर इस पर पड़ता है तो ये बी सी को बाइसेक्ट करता है, यानी दो हिस्से, यानी बी डी हमें डी सी के बराबर बताना है। और ये भी बताना है क्या एंगल जो जो ये आल्टीट्यूड ए डी है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए का ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे, हम लेंगे हियर हियर इन ट्राइंगल, एक लेंगे हम बी ए डी एंड ट्राइंगल शावा सी ए डी, यानी हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये दो ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो हम इनको कॉन्ग्रंट करेंगे। तो हमारे पास पता है ए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। इसका रीज़न आएगा ईच 90, ईच 90, या ये भी कह सकते हम कि जो ए डी है इट इज़ ऑल्टीट्यूड ऑन बी सी। ठीक है, नाउ ए बी, सॉरी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्यों वजह है, क्योंकि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलस ट्रायंगल, इट इज़ गिवन, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अब ए डी इज इक्वल टू ए डी, यानी कॉमन साइड, आल्सो ए डी इज इक्वल टू ए डी। इसका रीज़न मैंने बताया, ज्योमेट्री में हर रीज़न लिखना हर पॉइंट का, ये कॉमन साइड है। तो यहाँ ए डी इज इक्वल, इसका मतलब है कि अगर ट्रायंगल बी ए डी हम उठाएंगे तो इस पर कोई साइड हो जाएगा, यानी एंगल बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल सी होगा, ए डी कॉमन है, बी डी किस पर पड़ेगा, डी सी पर। ठीक है, तो दी वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देयर फोर ट्रायंगल, शाबाश, ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल शाबाश सी ए डी, बाय विच रूल, आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, सी ओ एन जी आर यू एन सी कॉन्ग्रेंस रूल। आप बताइए किस तरह, देखो जो ये ट्रायंगल है बी ए डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एट डी सी ए डी इज राइट ट्रायंगल, दोनों ए बी और ए सी हाइपोटेन्यूस, इन्हें हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बराबर है, ये हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस आया, ये एच ये भी एच इसका, ये राइट एंगल ये भी राइट एंगल, तो एक साइड वहाँ ए डी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रेंट। नाउ वी कैन से दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी, बाय विच रूल, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, अगर कॉरस्पॉन्डिंग वाले बी डी इज इक्वल टू, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज, व्हाट इट इम्प्लाइज, दैट ए डी बाइसेक्टस बाइसेक्टस बी सी, ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट है कि एंगल बी ए डी, यानी एंगल यानी ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ, ये तो सीधी बात है, जब ये ट्रायंगल इस पर कोइंसाइड हो जाएगी, ये एंगल और ये एंगल कोइंसाइड हो जाएंगे, आल्सो बाय कॉन बाय सी पी सी टी, आल्सो बाय सी पी सी टी, एंगल शाबाश एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, देयरफॉर इट इम्प्लाइज, व्हाट इट इम्प्लाइज, दैट ए डी इज बाइसेक्टस, या बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टस एंगल ए, हैनस प्रूव्ड, हैनस प्रूव्ड। ये आपके पास क्वेश्चन था कि प्रूव दैट ए बी डी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, शो दैट ए डी बाइसेक्टस बी सी साइड एंड ए डी बाइसेक्टस एंगल ए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था, ये 2 एक्सरसाइज 7.3।